स्टूडेंट, इस कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरकम सेंटर के लिए कंडीशन। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, इस केस में जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर इज हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे और इजीली सरकम सेंटर फाइंड आउट कर पाओगे। किस तरह से? आपको पता है जो फर्स्ट इक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 69, पता है। कोई भी इक्वेशन है, अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप है बेसिक कंसेप्ट, स्लोप फाइंड आउट करना है, कॉफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ y विद नेगेटिव सिंबल, दिस टर्म इज योर स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करनी है, कॉफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ y विद नेगेटिव सिंबल लगाओगे, ये आपके पास स्लोप आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट की आपके पास स्लोप है, इक्वेशन फर्स्ट की आपके पास स्लोप है, इस इक्वेशन की स्लोप। सेकंड इक्वेशन की स्लोप करोगे, सेकंड इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन में सिमिलर स्लोप, कॉफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ y विद नेगेटिव सिंबल, दिस टर्म इज योर 3/4। आपकी सेकंड टर्म की स्लोप m2 आ गई है, दो स्लोप्स हैं। नाउ अगर दो स्लोप्स पता, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1 होता है, means m1 into m2 minus 4/3 into 3/4 है, it means ये cancel हो जाएगा, m1 m2 is equal to -1 है। बेटा this is a condition for, इस चीज की condition है for perpendicular lines, ये condition है for perpendicular lines। बेटा it means these two lines are perpendicular, ये दोनों lines perpendicular है, means first equation and second equation क्या है, perpendicular है, means ये right angle triangle form कर देंगे दोनों terms, ये terms right angle triangle form करेंगे, means आपके पास जो condition में A, B, C अगर मैं use करूं, तो हमारी perpendicular lines आई हैं, perpendicular lines, first equation अगर मैं ये use करूंगा 4x plus 3y is equal to 69, second equation अगर use करोगे minus 3x plus 4y is equal to 17, ये दोनों right angle perpendicular lines हैं। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन इज हाइपोटेन्यूज, थर्ड इक्वेशन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है, सरकम सेंटर फाइंड आउट करना, सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये कंडीशन है, सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड द नोटेशन गिवन है जी, मतलब अल्फा कॉमा बीटा, सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, इसलिए हमें ए एंड सी पॉइंट रिक्वायर है, ए एंड सी पॉइंट रिक्वायर्ड है। A एंड C अगर फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, फर्स्ट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69, एंड इस इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, वो पॉइंट आ जाएगा पॉइंट A, पॉइंट A फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब कॉफिशियंट सेम कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69, 4x प्लस 28y is equal to 4, 244, 4 cancel हो जाएगा term, ये वाली term cancel, minus 25y is equal to minus 175, value of y आपके पास आ जाएगा 7, value of y 7 हो जाएगा, y value 7 put करोगे इस जगह पर, value of y put करोगे, x plus 49, 7, 7 था 49, is equal to 61, x is equal to हो जाएगा 61 minus 49, that is equal to 12, means आपके पास point A, final point A आ गया है 12.7, A point आ गया है 12.7, A point 12.7 find out, point of intersection of these two lines, now find out करो point of intersection of these two lines, ये दोनों lines का point of intersection, second दो lines का point of intersection करोगे, यहाँ पे minus 3 है, x है, बेटा मैं इस इक्वेशन को लिखोगे, x plus 7y is equal to 61 minus 3x plus 4y is equal to 17, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस नंबर इज 3x plus 21y is equal to 318, क्लियर, minus 3x plus 4y is equal to 17,
कैंसिल हो जाएगी, टर्म 25y इज इक्वल टू 200, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 8, वैल्यू ऑफ y 8, 7 एट द 56, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस टर्म से x 5 एंड y 8 मींस पॉइंट b भी फाइंड आउट हो गया। पॉइंट b आ गया है 5, 8, दोनों पॉइंट्स आ गए, ए पॉइंट भी आ गया, बी पॉइंट भी आ गया, दोनों पॉइंट्स हो गए, ए एंड सी पॉइंट फाइंड आउट हो गया, ए एंड सी पॉइंट। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट इज योर सर्कमसेंटर, क्योंकि अभी कंडीशन बताई है राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर का, सर्कमसेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है। जी फाइंड आउट हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दीज टू नंबर्स, जी इज मिड पॉइंट ऑफ दीज टू नंबर्स, मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे, दिस नंबर इज 12 प्लस 5/2 एंड 7 प्लस 8/2, दिस नंबर इज 17/2 एंड 15/2। बेटा गिवन है जी इज अल्फा कॉमा बीटा, जी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, जी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है मीन्स दिस नंबर इज अल्फा, दिस नंबर इज बीटा, जी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है। दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करो, दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करोगे आप, फाइनल आंसर बन जाएगा। फाइनल आंसर के लिए देखो, इस इक्वेशन में पुट करोगे फाइनल आंसर के लिए जी अल्फा माइनस बीटा, बेटा मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर 17/2 माइनस 15/2 होल स्केयर प्लस अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड टर्म अल्फा प्लस बीटा 17/2 प्लस 15/2, ये हो जाएगा 2/2 1 प्लस 32/2 16, 17 टर्म बन जाएगी। आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज 17, मींस बी ऑप्शन फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट्स।